नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खान, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, केडी कैंपस। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पे। आज आप सबके लिए मैं बच्चों लेकर आया हूं कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन सीजीएल 2017 के। और आज हम क्वेश्चन लेंगे 17 फरवरी 2017 मेंस का। पूरा सेट बच्चों मैं लेकर आऊंगा, इसको 3 या 4 चरणों में मैं आपके सामने इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तो अभी फिलहाल मैंने क्या किया है कि इस में जितने भी क्वेश्चंस थे एडवांस मैथ से रिलेटेड, जो टफ क्वेश्चंस बच्चों से नहीं हो पाए एग्जाम में, उन सबका सॉल्यूशन मैं आज लेकर आया हूं। पेपर का एनालिसिस करने के बाद मुझे लगा कि पेपर आसान था, ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, कॉन्सेप्चुअल पेपर था। बच्चों ट्रिक हमेशा काम नहीं करती, ट्रिक 1 या 2 क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, कुछ एज इट इज ट्रिक्स लग जाती हैं, लेकिन अगर पेपर कॉन्सेप्ट पे पूछेगा तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कहाँ पाइथागोरस यूज होती है, कैसे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हो एंड सो ऑन। तो ये जो पेपर था 17 फरवरी की शिफ्ट का, ये पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल था, यानी जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा उसको इस पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। आज मैं जो सॉल्यूशन लेकर आया हूं उनमें मैंने कोशिश की है मैक्सिमम क्वेश्चन में मेंसुरेशन और अलजेब्रा के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, मेंसुरेशन में लगभग सारा लेकर आया हूँ आज इस 17 तारीख की शिफ्ट का, और सारा नंबर सिस्टम लेकर आया हूँ। नंबर सिस्टम बच्चों बहुत ज्यादा आया है इस मेंस के पेपर में, देखा जाए तो तकरीबन मेंस में अलजेब्रा और नंबर सिस्टम मिला के तकरीबन 30 से 32 नंबर के सवाल बन रहे हैं। तो आपको सारी चीजें पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पे पढ़नी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बच्चों पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे और 200 में 200 भी ला सकते हो आप। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन की कंडीशन में लेता हूं मैं। क्वेश्चन आईडी 38 का ये टफ क्वेश्चन लिया, ये बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर अभी तक भी आपने इसको सॉल्व नहीं किया है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप ट्राई कीजिए। इतने क्या है क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, और बच्चों ये जो ए बी सी डी एक छोटा सा स्क्वायर हम देख रहे हैं, ये भी एक स्क्वायर है। इन्हीं छोटे स्क्वायर्स का हमें एरिया में फाइंड करने को वो क्वेश्चन में कह रहा है। दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, हमें उसने क्वेश्चन में दिया है कि ये जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस 14√2 है। तो अगर सर्कल की रेडियस 14√2 है तो बच्चों अब ध्यान से देखना, ये इसका डायमीटर होना चाहिए। अगर मैं पी से लेके आर को मिला दूं तो, यानी पी आर जो है वो डायमीटर है सर्कल का, लेकिन बच्चों ये डायगोनल भी तो है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो मतलब डायमीटर जो सर्कल का होगा, इस सेंटर को हम मान लेते हैं ओ, अगर ये था 14√2 तो बच्चों ये भी 14√2 होना चाहिए। तो इस तरीके से डायमीटर कितना हो गया 14, और 14 कितना हो गया 28√2, ये डायगोनल होगा। और कोई स्क्वायर जिसकी साइड बच्चों हम मान लेते हैं स्क्वायर जो था पी एस आर क्यू, जो हमें दे रखा है पी एस आर क्यू, मैं इसकी अगर साइड एक्स मान लूं कि इसकी यूनिट साइड थी एक्स, तो आप मुझे बताओ कि इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होगा √2x। तो ये 28√2 स्ट्रेट वे √2x के बराबर आएगा, तो इसकी साइड कितनी मिल गई बच्चों 28 सेंटीमीटर। तो अब हम इतना जानते हैं कि यहां से लेके टोटल ये जो डिस्टेंस होगा 28 होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, जो हमें दिख रहा है ये डिस्टेंस क्या होगा, टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा इसका। तो ये टोटल डिस्टेंस 28 का आधा कितना हो गया 14। अगर ये डिस्टेंस 14 है बच्चों, तो ये डिस्टेंस भी 14। तो अब ध्यान से समझना, क्योंकि सर्कल का सेंटर O है और ये सर्कल की रेडियस है, तो सर्कल की रेडियस किसी भी पॉइंट से इक्वल होती है। अगर हम बात करें इसके सेंटर से, तो सेंटर से ये इक्वल होगी। तो अगर मैं इसको मिला दूं x से मिला दूं बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा हम यहां बना लेते हैं और इसको O से हम x पे ड्रॉ कर लें, तो देखो O से P भी रेडियस है, O से X भी रेडियस है, कितनी रेडियस है 14√2। मैं इसका एरिया तब निकाल सकता हूं जब मुझे इसकी साइड पता हो, और साइड के लिए बच्चों मैंने इसकी साइड मान ली कि इसकी साइड है A, ये भी A, तो ये डिस्टेंस भी A होगा। अब ये पूरा A है तो ये कितना हुआ A/2। तो अगर मैं अब इस ट्राइंगल को अलग कर लूं, तो ध्यान से समझना A/2 ये साइड हो जाएगी 14+a और ये है 14√2। जब हम इसमें पाइथागोरस को यूज करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 14√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A/2 का होल स्क्वायर,
प्लस 14 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आएगा 196 इंटू 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस 196 प्लस ए स्क्वायर प्लस 28 ए। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ए स्क्वायर प्लस 112 ए बाय 4 इज इक्वल टू 196, क्योंकि जब डबल में से हम सिंगल घटाएंगे तो 196 बचेगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये आता है 5 ए स्क्वायर प्लस 112 ए माइनस 784 इज इक्वल टू 0। और अब इस क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करता हूं, देखो मैं यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, रोक दीजिए वीडियो, इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर वापस आ जाइए वीडियो पे ताकि मैं इसको मिटा के बाकी का आंसर यहाँ बताने वाला हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a से जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालूंगा तो बच्चों ये आएगा माइनस 112 प्लस माइनस 112 का होल स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम करते हैं तो ये वैल्यू बच्चों मुझे मिलेगी 4520 इंटू 784 बाय 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बच्चों हमें मिल जाएगी 168। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसके स्क्वायर में से माइनस करके आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये 168 मिल जाएगा, जो कितना आएगा लगभग लगभग 8 में से 2 गया 6 में से 1 गया 5 बटे 10 यानी 5.6 ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं ये 5.6 आया क्या, तो ये ए की वैल्यू आई और ए क्या था, इस स्क्वायर की बच्चों साइड थी। तो अगर ए की वैल्यू 5.6 आई तो इस स्क्वायर का एरिया होना चाहिए 5.6 का होल स्क्वायर, 5.6 का जब मैं होल स्क्वायर करता हूं तो 5.6 मल्टीप्लाई में 5.6 जब आप करते हो तो आएगा 31.36। तो बिल्कुल वही जो हमने ऑप्शन में हम मार्क कर रखा है। तो देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन पेपर में करने लायक भी नहीं था। छोड़ना नहीं है बच्चों, 100 क्वेश्चन तब अटेम्प्ट होंगे जब आपके 99 अटेम्प्ट होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को रख सकते थे अपने 100th क्वेश्चन के लिए, यानी मेरा आखिरी क्वेश्चन यही होगा जिसको मैं पेपर में अटेम्प्ट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन से पहले बहुत कुछ अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत इजी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने के लिए जिनमें कम टाइम लगेगा। तो आप वहां से अपना टाइम मैनेज करते, वहां से अगर आपका टाइम मैनेज होता तो आखिरी 5 मिनट में आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते थे, पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते थे, 200 में 200 भी लाना मुमकिन था इस पेपर के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, इसी दिन 17 फरवरी को ही आया हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एडवांस मैथ से ही है, तो क्योंकि एडवांस मैथ थोड़ा टफ लगा बच्चों को इसलिए मैं एडवांस मैथ लेकर आया हूं आपको बताने के लिए कि बच्चों क्वेश्चन लेंथी है, मुश्किल है, लेकिन पेपर में कर सकते हो। चॉइस है आपकी कि आप पहले कौन सा क्वेश्चन करते हो। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है बच्चों एक ट्राइंगल अपने को दिया है, ध्यान से देखिए, पी क्यू आर, इस पे एक पॉइंट है डी, इधर सी, ये बी पॉइंट है बच्चों, और इस पे एक पॉइंट है ए। अब उसने इनको जॉइंट किया है, डायग्राम में गिवन था, अब उसने गिवन में ए पी 5, डी ए 3, क्यू डी 2, क्यू सी 5, दिस इज 3, 4 और ये 6 सेंटीमीटर उसने डिफरेंट डिफरेंट साइड दिए हैं। ये सेंटीमीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में होने से रेशियो में नहीं कह सकते आप कि बेसिकली रेशियो में हो, तो ये सभी साइड सेंटीमीटर में गिवन है। वो मुझसे पूछ रहा है बच्चों इसका एरिया, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें बताना है। अब इसके ऑप्शंस उसने दिए हैं 23√21/4, 15√21/4, 17√21/4, 23√21/5। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन ये मेरे को लगा। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना चाहिए बच्चों,
मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर में समझाया था कि किसी भी ट्राइंगल में जब हम एरिया निकालते हैं तो उसके एरिया को निकालने के लिए बस मेरे को दो चीजें चाहिए कि अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं तो मेरे को उसकी साइड पता होनी चाहिए और उनके बीच का एक एंगल पता होना चाहिए। तो मैं एरिया निकाल सकता हूं 1/2 ए बी साइन थीटा से। तो कुछ हद तक तो हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और वहीं हम पैरेलली शॉर्टकट भी यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट खाली एक बार यूज करेंगे और बाकी दोनों बार हम शॉर्टकट को यूज करेंगे। तो ध्यान से समझना कि अगर मैं पी पॉइंट को मान लेता और इस पी पॉइंट से मैं एरिया ट्राइंगल ए पी बी का रेशियो निकाल लूं पूरे ट्राइंगल ए क्यू आर से, यानी मैं पता लगा लूं कि ये पूरा ट्राइंगल पूरे में से कितना है, ये ट्राइंगल पूरे में से कितना है, ये ट्राइंगल पूरे में से कितना है, तो मैं बाकी बचा हुआ आराम से बता सकता हूं कि भाई ये कितना है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं बच्चों एपीबी, एपीबी मुझे पता है 1/2, ये दोनों साइड मुझे पता है 5 × 6, इनके बीच का एंगल पता है साइन पी, तो मैं वहीं से देखूंगा जो P वर्टेक्स होगा, तो मैं नीचे भी साइन P ही लिखना चाहूंगा। तो जब साइन P लिखता हूं तो 1/2, तो बच्चों मैं पूरी साइड लेने की कोशिश करूंगा P वर्टेक्स से। हम ये भी बता दें आपको हम कहां से निकाल रहे हैं, वर्टेक्स P से हम इसको देख रहे हैं। वर्टेक्स P से देखने पर ये होगी पूरी साइड 5, 3, 8 और 2, 10 और ये पूरी साइड होगी 6 और 4, 10। तो साइन पी से साइन पी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, 5 × 2 = 10 आ गया, 2 × 3 = 6 आ गया, ये आ गया 3/10। अब क्या करें, क्या बिल्कुल इस तरीके से करें, बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। वर्टेक्स क्यू को देखो, खाली वर्टेक्स क्यू में ये दोनों साइड की मल्टीप्लाई करो। बात कर रहा हूं मैं क्यू डी सी एरिया की, पूरे ट्राइंगल के एरिया ए ये क्यू पी आर से। तो अगर मैं इन दोनों की गुणा कर लूं 2 × 5, तो इससे मैं इसी साइड से पूरी साइड देख सकता हूं 5, 3, 8 और 2, 10, 5 और 3। देखो दिस साइड इज 2 × 5, इसी तरीके से ये पूरी साइड 10 × ये पूरी साइड 8, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 1/8 आ गया। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं बच्चों वर्टेक्स आर से, वर्टेक्स आर से देखने पर मैं ये वाली साइड ले लेता हूं पहले, एरिया ट्राइंगल आर बी सी, एरिया ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, पी क्यू आर, ए क्यू आर सब एक ही है। तो आर बी सी को देखिए 4 × 3, तो पहले आपने ये वाली साइड ली तो पूरी टोटल साइड कर लीजिए 6 और 4 = 10, और ये वाली साइड पूरी ले लीजिए 5 और 3 = 8, 4 × 2 = 8, 3/20। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, यहां से ये निष्कर्ष निकला कि पी क्यू आर का एरिया या तो 20 होगा या तो 8 होगा या तो 10 होगा। लेकिन पी क्यू आर का एरिया होगा कितना, तो ध्यान से देखता हूं अगर मैं, तो बच्चों ये ट्राइंगल मेरे को कैसा नजर आता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल, 10, 10 और 8। यानी अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करूं तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा पी क्यू आर 10, 10, 8। मेरे को कोई हीरो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1/2 बेस, बेस जो होगा बच्चों 8 होगा, और हाइट के लिए देख ध्यान से देखना ये है 4, तो 10 का स्क्वायर बच्चों 100 हुआ, 100 में से 16 गया, ये आ जाएगी लेंथ इसकी जो इसकी हाइट होगी 84। रूट 84 को हम लिख सकते हैं 12 × 7, 2√21, 2 से 2 कट गया, 8√21 इसका जो है वो एरिया आ गया। तो सिंपल बात को समझना बच्चों, एग्जाम में ऑप्शन जरूर देखने होते हैं, अगर मैं ये सब नहीं करता, मैं डायरेक्ट एरिया निकालता, एरिया निकालता √21 आ रहा है, √21 एक ऐसी वैल्यू है जो बच्चों चेंज नहीं होगी, या तो √21 में ही होगा नहीं तो उसकी वैल्यू पुट करो। अब मैं ऑप्शन देखता, अगर ऑप्शन में खाली एक ही आंसर होता जो √21 में होता तो मैं आगे सोल्व भी नहीं करता, वही मेरा आंसर हो जाता।
क्योंकि सारे ऑप्शंस Route 21 में हैं, तो इसलिए मुझे इतना करना पड़ा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि बच्चों मैं सिंपल एक बात जानता हूँ कि एरिया ट्राइंगल APB बटे पूरा ट्राइंगल AQR 3/10, इसी तरीके से एरिया ट्राइंगल QDC एरिया ट्राइंगल QPR 1/8, एरिया ट्राइंगल RBC एरिया ट्राइंगल RPQ 3/20। तो बच्चों मैं इस PQR के एरिया को बिल्कुल एक समान रखना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, इसको 5 से गुणा कर लिया, इसको 2 से गुणा कर लिया, इसको 4 से गुणा कर लिया, तो ये इस तरीके से 12/40, 5/40 और 6/40 हो गया। अब 40 होने से मुझे ये पता लग गया कि पूरे ट्राइंगल का एरिया होगा 40, और जिसमें APB के हिस्से कितना आने वाला है भाई 12, QDC के हिस्से कितना आने वाला है बच्चों 40 में से 5, और RBC के हिस्से आने वाला है 6, 12 और 6 18, 18 और 5 23, कितना बच गया बच्चों 17 बच गया। तो आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता लग गया कि ये जो एरिया होगा 17 से रिलेटेड होगा, 17 पार्ट होगा, और 17 से मल्टीपल में मेरे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें Route 21 भी अवेलेबल है, तो यही बच्चों मेरे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर पूरा करना चाहते हो सोल्व तो इसके आगे कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है पूरे ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल PQR का एरिया है 40 पार्ट, और 40 पार्ट किसके बराबर है, हमने अभी ऊपर निकाला था 8√21 के बराबर, एक पार्ट आएगा √21/5 के बराबर, 8 × 5 = 40, तो 17 पार्ट किसके बराबर आएगा बच्चों, 17 पार्ट आएगा आपका √21/5 × 17, यहाँ ऑप्शन में 5 आना चाहिए था, मैंने ऑप्शन में शायद यहाँ पे मिस्टेक की होगी लिखने में, तो इसके सही ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सही आंसर होगा 17/5 √21, ऑप्शन में से एक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट धमाकेदार विस्फोटक बढ़िया से क्वेश्चन की तरफ, यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसको बच्चे ने देखा और उसका दिमाग घूम गया, बोले यार ये क्या चीज आ गई एडवांस मैथ में, इस बार क्या पूछ रहा है, ऐसा तो कुछ आया ही नहीं, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ना था, कॉन्सेप्ट पढ़ते तो शायद आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे। आपके सामने सीजल 2018 है, टारगेट कीजिए 2018 को, कोशिश कीजिए कि इस बार प्रीम में कम से कम 170 नंबर आप लेकर आओ, और मेंस में बच्चों मैथ्स के अंदर 200 में 200 आपके आने चाहिए, कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी है बच्चों क्वेश्चन आईडी 35 क्वेश्चन आईडी ले रहा हूं मैं। तो ये जो है क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक इसके बाद अगला क्वेश्चन लूंगा मैं जो पिरामिड का होगा। तो ये एक स्क्वायर है बच्चों, ABCD, पी इसका मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, एन मिड पॉइंट है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जो एफ पॉइंट से ई पॉइंट पर होती है, एल इसका मिड पॉइंट है, यहां से हमें एक स्क्वायर बताया गया है, ये भी एक स्क्वायर है जिसमें एक पॉइंट है बच्चों ओ, एक पॉइंट है M, और हमें कुछ एरिया उसने शेड कर दिया, इसने पहले यहाँ पे एक सर्कल भी बना दिया सेमी सर्कल, तो अब कुछ इसने एरिया शेड कर रखा है, वो शेडेड रीजन एरिया मुझे इसके अंदर बच्चों बताना है, ये एरिया मुझे बताना है। इसमें एक चीज हमने अभी लिखी नहीं है, वो मैं अभी आपको देखकर बताता हूं कि इसमें स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है। तो क्वेश्चन आईडी 35 का क्वेश्चन था ये, स्क्वायर की आईडी होगी इसकी जो साइड होगी एबीसीडी 14 सेंटीमीटर की साइड का एक स्क्वायर है, तो एबीसीडी अगर 14 सेंटीमीटर की साइड का एक स्क्वायर होगा, ये 14 दिया है इसने, ये हमने लिखा नहीं था इस क्वेश्चन में, तो ये 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, और अगर हम इसको ए भी मान लेते तो भी हम इसको कर सकते थे। तो सिंपल बात समझो बच्चों, अगर मैंने स्क्वायर के एरिया को फाइंड किया, उसमें से मैंने एक सेमी सर्कल को और एक इस स्क्वायर को माइनस किया, तो मेरे पास बाकी बचा हुआ शेडेड रीजन आ जाएगा जो मुझे चाहिए। तो मेरे को क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट किस चीज की है मेरी,
रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसकी रेडियस पता लग जाए। तो ध्यान से समझना बच्चों, अगर इसकी रेडियस की बात करें तो ये साइड स्क्वायर की साइड का हाफ होगा यानी ये तो 7 है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये पता लग गया। अब क्या पता लगना चाहिए मुझे, मुझे पता लगना चाहिए कि इसकी साइड कितनी होगी। तो ध्यान से समझो, ये 14 है तो ये भी कितना रहा होगा, 14 का हाफ 7, तो ये कितना रहा होगा, इसका डायगोनल 7। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू एक्स। तो अगर मैं इसकी साइड एक्स मान लू बच्चों, डायगोनल कितना है 7 रूट 2 एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 बाय रूट 2। यानी ये जो साइड चाहिए मुझे, ये साइड मैं निकाल चुका हूं अभी, एल ओ ओ एन जो स्क्वायर की साइड है वो आ जाएगी 7 बाय अंडर रूट 2। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर के एरिया की। स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा 14 का स्क्वायर, इसमें से मुझे माइनस करना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे सेमी सर्कल के साथ साथ बच्चों एक स्क्वायर भी माइनस करना है, एल एम एन ओ। तो 14 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। सेमी सर्कल का एरिया बच्चों पाई आर स्क्वायर का हाफ, और स्क्वायर की साइड कितनी है 7 बाय रूट 2 का हाफ, जो 7 बाय रूट 2 है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर हुआ 196। पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7, 7 गुणा 7 बटे 2, 49 बाय 2। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 पे चला गया। 196 माइनस 11 की मल्टीप्लाई 7 से कर रहे हैं तो ये आएगा 77। प्लस बच्चों जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया 24.5। जब हम बात करते हैं 196 में से माइनस करने की, तो हमें सब कुछ जोड़ के अगर हम माइनस करते हैं तो 7 4 11 हासिल लगेगा, 1 7 और 3 10, 101.5 मुझे इसमें से माइनस करना है। तो इसके ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जल्दी से बताओ, 108.5, 94.5, 70 और 120, ये इसके चार गिवन ऑप्शन थे। तो आंसर आ जाएगा 94.5। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आते हैं बच्चों एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इसी दिन आया है मेंस में, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, मिटा देते हैं हम मेंस को। अब हम करते हैं एक पिरामिड का क्वेश्चन, फिर जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, आप वो देख सकते रहोगे, जल्दी जल्दी हम उनको सोल्व कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन की आईडी मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन की आईडी होगी, क्वेश्चन आईडी है बच्चों, क्वेश्चन आईडी 47 है, क्यू आईडी 47। क्वेश्चन है बच्चों, कोई हमें क्यूब दिया है और इस क्यूब में ध्यान से देखना, वो ये कह रहा है बच्चों, ए राइट ट्रायंगुलर पिरामिड एक्स वाई जेड बी इज कट फ्रॉम क्यूब, द साइड ऑफ क्यूब इज 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर है, अगर ये 16 सेंटीमीटर है जिसमें बच्चों इसके मिड पॉइंट यानी इस लाइन के मिड पॉइंट के को अगर वो बोले जेड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट बोलता है वो एक्स है और इसका मिड पॉइंट बोलता है बच्चों वो वाई है। तो अब वो उसने क्या कहा कि उसने कहा कि एक्स वाई और जेड को इस तरीके से उसने एक पिरामिड काटा, और वो हमसे पूछना चाह रहा है बच्चों इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, कोशिश करिए सोल्व करने के लिए। इतने में ऑप्शन लिख रहा हूं, आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, 4 प्लस अंडर रूट 3, 28 6 प्लस अंडर रूट 3, 32 3 प्लस अंडर रूट 3। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूं, बेसिक्स, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स की नॉलेज हो जाएगी तो आप फिर इसके क्वेश्चन तक कर पाएंगे। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड को हम किससे ट्रीट करते हैं, कोई भी पिरामिड होता है बच्चों,
तो उसको हम एक कोन के जरिए सोचने की समझने की कोशिश करते हैं। कोन जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूं, मैं पिरामिड के लिए फार्मूले लिख रहा हूं, मैं वो मिटा दूंगा फार्मूले, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो पिरामिड में और कोन में यही सिमिलरिटी है कि इस कोन के अंदर बच्चों पाई आर स्क्वायर क्या दिखाता है, पाई आर स्क्वायर पता लगता है हमसे कि ये बेस का एरिया है। तो हम पिरामिड में अगर यही फार्मूला लिखेंगे तो 1/3 हम लिखेंगे एरिया ऑफ द बेस, और बेस कुछ भी हो सकता है, यहां ट्राइंगुलर बेस है, ये स्क्वायर भी हो सकता था, रेक्टेंगल भी हो सकता था, किसी भी प्रकार का बेस हो सकता था बच्चों। 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट किसकी चीज की हाइट होती है बच्चों, ये कोन के अंदर इस कोन की हाइट होती है, तो हम यहां लिखते हैं हाइट, हाइट का मतलब है हाइट ऑफ पिरामिड, हाइट ऑफ पिरामिड की बात हो रही है। तो अगर यहां कोन की हाइट की बात होती है तो यहां पिरामिड की हाइट की बात होती है। चलिए आते हैं इसी कोन के लिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं हिंदी में लिख रहा हूं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल। अब एल क्या होती है यहां, स्लैंट हाइट, ये तो आपने पढ़ाई है, स्लैंट हाइट का मतलब हो गया त्रियक ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई है। तो इसको कोरिलेट करूंगा मैं अब पिरामिड के साथ में, आपके लिए फार्मूले तैयार हो जाएंगे, आप पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हो पिरामिड की, और ये क्वेश्चन भी हम सोल्व कराएंगे। फिर अगर मैं 2 से गुणा 2 से भाग करूं तो बच्चों 2πr क्या होता है, एक सर्कल के अंदर 2πr होता है उसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू में एल, एल अगर स्लांट हाइट है किसी कोन की, तो मेरे पास एक फार्मूला बन के तैयार हो गया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ पिरामिड, पिरामिड की बात करें तो पिरामिड लिखिए 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। अब ये स्लांट हाइट क्या होती है वो समझना बच्चों, अगर मैं बात करूं कि मैं कोई एक स्क्वायर बेस पिरामिड बनाता हूं आपके सामने, ध्यान से देखना, तो ये जो पिरामिड अपने को दिख रहा है ये कैसा कैसा फेस होगा, ये कैसा कैसी साइड होगी, ये सीधी होगी, तिरछी होगी, कैसी होगी, ये बिल्कुल इसकी तिरछी साइड होगी, ठीक है। नहीं तो क्या करो, गूगल पे सर्च करो पिरामिड लिखो, बिल्कुल इसके पॉइंट पे जाके टकरा रही होगी। तो ये हाइट ऑफ पिरामिड है, ये हाइट ऑफ पिरामिड है जो बेस पे 90 डिग्री बना रही है। ये कैसा ट्राइंगल है जल्दी से बताओ, ये एक आइसोसेलिस त्रिभुज है जो ये वाला दिख रहा है अपने को, आइसोसेलिस यानी जो तिरछा है, तिरछा त्रिभुज कैसा है, तिरछी दीवार कह लो इसको, ये तिरछी दीवार कैसी, एक समद्विबाहु त्रिभुज के तरीके से है, समद्विबाहु त्रिभुज में वर्टेक्स आने वाली लाइन सामने वाली साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और 90 डिग्री भी बनाती है। तो इस तिरछी साइड की जो हाइट होगी वही होगी बच्चों स्लांट हाइट, क्या होगी, स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट सभी पिरामिड में एक ही जैसी होती है। तो फार्मूला क्या बन गया, लेटरल सरफेस एरिया के लिए पिरामिड का 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, बेस कुछ भी हो ये यही रहेगी स्लांट हाइट, क्योंकि जितने भी बेस बना लो, चाहे हेक्सागन पे बना लो पिरामिड, ऑक्टागन पे बना लो पिरामिड, बच्चों जो दीवार आनी है वो तिरछी आनी है, और तिरछी दीवार ऐसी होगी कि दोनों साइड बराबर होंगी, तो ये सेम ही रहनी है, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ पिरामिड होती है। अब बात करते हैं बच्चों इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल प्लस बेस एरिया, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर पढ़ा ना आपने, पाई आर स्क्वायर क्या होता है बेस का एरिया, तो सिंपल बात है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस हो जाएगा लेटरल प्लस बेस एरिया। तो अब हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, मैंने ऑप्शन आपके सामने लिखा है, जिन बच्चों ने सॉल्व किया इसको एग्जाम, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया तो आप इसको सॉल्व कर पाए। तो अब इसको 3D डायग्राम को कुछ ऐसे समझो कि मैं एक कट ले रहा हूं, कटर ले रहा हूं, और मैंने जब इसको कटर से इसको काटा होगा तो नीचे जो बेस मिला होगा वो कैसा बेस मिला होगा, वो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस मिला होगा, कैसा बेस मिला होगा, जिसका बेस कैसा है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस होने पर, ठीक है,
इसको हम थोड़ा सा इसको दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे समझना। ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बन गया पिरामिड, ये देखिए ये रहा वो पिरामिड जो हमने काटा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ध्यान से समझो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी हो रही होगी। तो सबसे पहले ये समझो कि जब आप इसको काट रहे हो तो बच्चों ये 16 है, ये साइड कितनी रही होगी, आधे पे रहे तो ये होगा 8, ये भी कितना होगा 8, ये कितना होगा 8√2। बिल्कुल इसी तरीके से ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी कितना होगा 8√2। कैसे होगा 8√2? अरे भाई मैं यूज कर रहा हूं इस टाइम पे पाइथागोरस थ्योरम, या 90 डिग्री नहीं बनता क्या, ये दो साइड बराबर है तो ये 8√2 ही तो होगा। तो मेरे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि जो जब ये कटेगा तो बच्चों इसका जो फेस होगा बिल्कुल समतल फेस होगा, बिल्कुल समतल फेस होने पर क्या होगा, इसकी साइड आ गई मेरे पास 8√2। अगर मुझे इसका टोटल बताना है तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका लेटरल निकाल लूं, लेटरल सरफेस निकाल लूं। लेटरल सरफेस मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं निकाल लूं। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए एक बार फिर से मैं फार्मूला बता दूं, जब मैंने अभी अभी ड्राइव करवाई थी तो मैं फार्मूले तो मैंने लिखवाया था 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल हिंदी में जिनको लिखना है वो लिखिए, इनटू में स्लांट हाइट। इसका बंदोबस्त कहां से होगा बच्चों? स्लांट हाइट तो ये होनी चाहिए, यही तो स्लांट हाइट। तो सिंपल बात है भाई, अगर स्लांट हाइट ये है तो समझो ना बात बच्चों, ये दोनों साइड कैसी हैं, 8 और 8। अगर ये 8 8 है तो स्लांट हाइट कितनी आएगी, जल्दी से बताओ जरा। ये देखिए अगर ये 8√2 है तो ये रह जाएगा 4√2। 64 में से 4√2 का जब हम स्क्वायर माइनस करेंगे, पाइथागोरस लगा रहे हैं, ये स्लांट हाइट है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर, 64 माइनस 32, स्लांट हाइट विल बी 32 अंडर रूट में, तो 4√2। स्लांट हाइट भी कितनी हो जाएगी, 4√2। तो मेरे को इसका लेटरल तो पता लग गया 1/2। पेरीमीटर बच्चों इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स कितनी है, 8√2 × 3। और स्लांट हाइट आपने कितनी निकाली है बच्चों, स्लांट हाइट ये जो हाइट है, स्लांट हाइट है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यही हाइट क्या होगी, इसकी त्रियक ऊंचाई होगी, त्रियक ऊंचाई आगे 4√2, 2 से ये 4 कट गया 2 पे, तो 8 + 24 48 × 96, ठीक है, √2 √2 हो जाएगा 2, 8 × 16 16 × 32 और 32 + 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमें क्या चीज जोड़नी है अब इसके अंदर, टोटल के अंदर, टोटल इज इक्वल टू लेटरल प्लस में बेस एरिया। तो लेटरल मेरे पास आ गया, बेस एरिया हो जाएगा √3/4, साइड कितनी है बच्चों, 8√2 8√2, तो 96 + 4 × 8 √3 × 8 × 16 16 × 32। मैं 32 कॉमन ले लेता हूं, तो 32 + 96 प्लस में बच्चों √3, ये रहा इसका सही आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको एक पिरामिड बस यहां से ड्राइव करना था, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड निकलेगा जिसकी जिसका बेस 8√2 होगा, और ये ऊपर ये उभरा हुआ हिस्सा होगा बच्चों, ये उभरा हुआ हिस्सा है इसका। तो ये तीन क्वेश्चन अभी अभी हमने सोल्व किए, क्वेश्चन थोड़े क्वाइट लेंथी हैं, एक ही शिफ्ट में इतने अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो टाइम तो थोड़ा सा लगता है। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इसी डेट में क्वेश्चन आईडी 36, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आईडी 36। ये क्वेश्चन भी बच्चों एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, बहुत आसान है। इसने बोला है कि ये P पॉइंट है, P पॉइंट से डायग्राम हम एक बार में ठीक बनाने की कोशिश करेंगे, P से लेके B और फिर ये E पॉइंट पर आ गया, और E पॉइंट से फिर ये मूव कर गया बच्चों R पॉइंट पे। इसी तरीके से इसने
यहां से हम चले Q से A F और F से C S। तो ध्यान से समझना बच्चों, मैं कुछ एरिया को शेडेड कर रहा हूं, उस शेडेड रीजन का एरिया हमें बताना है कि ये एरिया कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं यूज करेंगे। तो इसके लिए डाइमेंशंस मैं बता दूं इसने क्या ली हुई थी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आईडी 36 है। क्वेश्चन आईडी 36 ये रहा। ये कह रहा है बच्चों एबीसीडी एक समषष्ठभुज है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ एक समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज बच्चों रेगुलर हेक्सागन। अगर हेक्सागन है तो इसकी साइड कितनी हुई, उसने दी हुई है हमें इसकी साइड, मैं ऑप्शंस भी लिखूंगा। ये एक हेक्सागन है जिसकी साइड है बच्चों 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है बच्चों, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये कह रहा है कि इसके साथ में डी ई एस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें बताना है कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो सिंपल बात आपको बताता हूं बच्चों कि एक अगर हेक्सागन होता है तो हेक्सागन में कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसकी साइड्स हैं। इसके सेंटर से जब हम मिलाते हैं तो इसके अंदर बच्चों 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। ये सारे इक्विलेटरल होंगे आपस में, सबकी साइड कितनी होगी, ए होगी। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर इक्विलेटरल इसके हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल बनते हैं तो कितने इक्विलेटरल इसके अंदर नहीं है जो मुझे नहीं निकालने, 1 और 1 2। तो इसका मतलब ये कितने इक्विलेटरल रहे होंगे, ये 2 इक्विलेटरल रहे होंगे, ये कितने रहे होंगे, ये भी 2 इक्विलेटरल रहे होंगे। तो 2 और 2 4, ये भी एक इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, तो कितने होंगे गिन लो एक बार, 1 2 3 4 4 और 4 8। मुझे पता लगाना है सिर्फ 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, 72√3। इसका सी ऑप्शन जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। तो ये कुछ वो सवाल थे जो बेहद टफ लगे बच्चों को, जो बच्चे अटेम्प्ट करके नहीं आए। अब मैं बात करता हूं रैपिडली नंबर सिस्टम से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं, एलजेब्रा से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं। अगले 10 से 15 मिनट में आप वो सारे क्वेश्चन 15-20 देखेंगे इसी स्क्रीन पे। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों, बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए। कि क्वेश्चन आईडी 1 मैं आपको बताता रहूंगा क्वेश्चन आईडी कौन सा सॉल्व कर रहा हूं, मैं लगातार सीरियल वाइज चलूंगा। क्वेश्चन आईडी 1 कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट सम ऑफ फर्स्ट ऑल 111 होल नंबर्स। इसके ऑप्शन है 4 6 5 0। होल नंबर होता है जो 0 1 2 से शुरू होता है, और शुरू के 111 है तो मेरा आखिरी नंबर होगा 110। अगर मैं इसका सम कर लूं, क्योंकि सम का यूनिट प्लेस बताना है, तो सम क्या होगा, सम होगा बच्चों नेचुरल सीरीज का, 1 से जो शुरू होते हैं होता है n n+1/2। नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं देखूं 0 को छोड़ के तो कितने टर्म है बच्चों, 110। 110 से अगली टर्म होगी 111 बटे में 2, तो कितना आया भाई 55 × 111। मल्टीप्लाई नहीं करना, खाली यूनिट प्लेस बताना है, कितना हुआ 5। 5 में अगर हम 0 को ऐड भी करते हैं तो यूनिट प्लेस कितना रहेगा, 5। तो इसका सही आंसर था 5। रिवाइंड करके दोबारा देखना जल्दी से। आते हैं अब अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आईडी 3। सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है 5.6 × 0.36 + 0.42 × 3.2 / 0.8 × 2.1। ऑप्शन है बच्चों 2 1
तीन बटे दो तीन, इसको सिंपलीफाई करके क्या आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान हो नहीं सकता था। पॉइंट के बाद तीन डिजिट है, पॉइंट के बाद तीन डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, मैंने यहाँ एक जीरो लगा ली, दो और एक तीन डिजिट, एक और दो तीन डिजिट, दो और एक तीन डिजिट, पॉइंट हटा सकता हूं मैं। तो बच्चों ये पॉइंट हटा दिया मैंने, देखो पॉइंट हटेगी तो जीरो का भी कोई महत्व नहीं रह जाता, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा देता हूं, पॉइंट हट गया, तो ये बन गया 80। अब देखो किससे कट रहा है, कौन से किस किस नंबर से हम इसको काट सकते हैं, हम 8 से काट सकते हैं, 10 आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 से ये भी कटना चाहिए, 8 चौक 32। अब देखो मैं किससे काट सकता हूँ, 7 से काट सकता हूँ, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 से 6 पे चला जाएगा। अब बच्चों मैं 3 से भी काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 12, 3 दूनी 6, तो अब देखो 12 बच गया ऊपर, 4 दूनी 8 बटे में 10, 12 और 8 20 बटे 10 2 आ गया। तो कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 10 या 5 सेकंड का क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम था, कन्वेंशनल पूछा है तो कन्वेंशनल आना चाहिए। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक बच्चों बात नहीं बनेगी, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ तब एग्जाम में हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं। क्वेश्चन आई डी 4, 1.2 क्यूब, 0.8 क्यूब, 0.7 क्यूब माइनस 2.016। कुछ अच्छे क्वेश्चंस एडवांस मैथ के मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूं, तो इन मेरी कोशिश रहेगी अर्थमेटिक भी मैं आपको लेकर आऊं बताऊं, लेकिन एडवांस मैथ बच्चों बहुत ज्यादा आया है तो एडवांस मैथ की तरफ थोड़ा सा आप अपना रुझान बढ़ाओ। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका ऑप्शन क्या आएगा, 1/4, 1/2, 1 और 2, ये गिवन ऑप्शंस थे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करूं कि भाई क्वेश्चन बना कहां से, तो मैं इतना जानता हूं कि ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है पेपर में। अगर ये हुआ तो इसका फार्मूला होता है a+b+c, a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब ये देखता हूं कि क्या नीचे मिलेगा a² b² c², चलो ab 8 7 56 बिल्कुल है, और 12 7 84 बिल्कुल है, 12 8 96 बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है बच्चों ये नीचे लिखी हुई है, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके लिखूंगा तो यही मिलेगा। नीचे 1.35 अलग से दे रखा है तो उसको हम ऐसे का ऐसे रख लेते हैं 1.35, और जब हमने इसको एक्सप्लेन किया होगा a+b+c आया होगा जो हो जाएगा 1.2 + 0.8 + 0.7, 12 और 8 20 और 7 27 पॉइंट का एक लगाएंगे तो 2.7 मिलेगा, 1.35 पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो आएगी, जीरो से जीरो लगते हैं पॉइंट के बाद, देखिए डिजिट डेसिमल प्लेसेस के इक्वल हो गए, 135 का डबल करें तो 270 होता है, 2 मिल जाएगा जो इसका आखिरी ऑप्शन है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन आईडी 5 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 5, नोट कीजिए इसको जल्दी से, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा बच्चों और वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसके पूरे डिटेल सॉल्यूशन को करके देखिए, मुश्किल नहीं लगेगा, ये सारी चीजें हम प्री में पढ़ाते हैं, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक भी पहुंचे ताकि पता लगे कि यहाँ केडी कैंपस में हम प्री में वो सब पढ़ा देते हैं जो बच्चों के मेंस में भी आता है। तो आइए ज्वाइन कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि प्री का पेपर बच्चों अब नजदीक है, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से सो के उठें, जागें, वीडियो को देखें और आए, और जल्दी से बच्चों मुझे अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये 217 की पावर दे रखी है और हमें इसका यूनिट प्लेस बताना है। अब इसके ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 2, 4, 6, 8। देखो यूनिट प्लेस कभी भी किसी संख्या का निकालना हो तो एक कसौटी ये याद रखो कि अगर संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो इकाई का अंक नहीं बदलता, इकाई का यूनिट प्लेस यानी कि नहीं बदलेगा, यही रहेगा जो है, 0 है तो 1 है, 5 है 6 है, तो इसमें 0, 1, 5, 6 किसी में भी नहीं है। अगर ये नहीं आता है तो पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से, रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर आने पर यूनिट प्लेस की पावर रिमाइंडर रख देंगे और उसको चेक कर लेंगे। तो ये कहानी क्या बनी ये देखिए, जब मैं इसका इकाई का अंक देखता हूं बच्चों 7 और इस पावर 413 को डिवाइड करते हैं 4 से,
तो रिमाइंडर क्या आता है? एक। तो हमने क्या किया, 7 की पावर 1, खाली इकाई का अंक रख के चल रहा है। जब 547 को हम 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। तो बच्चों 9 की पावर 1 9 9 की पावर 2 1, 81 मिलेगा तो 1 ले लेंगे, 9 की पावर 3 9 मिलेगा, 729 पे इकाई का अंक कितना होगा, 9। तो रिमाइंडर कितना आया, देखो यहाँ 9 था इकाई का अंक, इसकी पावर ली 547, 4 से भाग करा, रिमाइंडर आया 3। तो इस 3 रिमाइंडर पे अपने को क्या मिलती है यूनिट डिजिट, 3 पावर पे, ध्यान से देखो 9, तो ये आ गया 9। आगे बढ़ते हैं 624, 624 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। तो 4 की पावर 4 हम देखेंगे, जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट प्लेस की 4 पावर देखनी होती है, याद रखो 4 की पावर 4 हो गया 256, यानी कितना मिल गया बच्चों मुझे, 6 मिल गया। आगे बढ़ते हैं 2 की पावर 12, ये भी कंप्लीट डिवाइड है, तो 2 की पावर 4 देखेंगे कितना आ गया, 6 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, खाली यूनिट प्लेस निकालते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 6 36 का 6 ले लिया, 9 7 63 3 ले लिया बच्चों, 6 3 18 18 का कितना होता है इकाई का अंक, 8। तो इसके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस हमने लिखे, इसके ऑप्शंस मैंने अगर नहीं लिखे तो इसके ऑप्शंस देखो ये थे 2 4 6 8। पेपर में आप डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख पाओगे इसके सही ऑप्शंस हैं 2 4 6 8। ये रहा बच्चों इसका सही आंसर, 8 इसका यूनिट प्लेस होगा। चलिए अब जल्दी से रुक करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो आपसे पूछे गए थे एलजेब्रा से। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन आईडी 10, वो कह रहा है ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 65, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब बच्चों इसके 3 4 5 6 बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको ऑप्शन से देखें और इसकी वैल्यू से देखें तो मेरे पास ऐसी 2 ही वैल्यू हो सकती है कि अगर मैं ए को 10 मान लेता और बी को 5 मान लेता, तो देखो 10 और 5 15, और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा। तो क्या 50 60 और 5 65 हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। तो ए कितना हुआ 10, बी कितना हुआ 5, या दोनों हुए 5। तो पॉजिटिव अगर वैल्यू लेनी है तो दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, ए माइनस बी कितना आ गया बच्चों, 5। तो बहुत ही सिंपल सा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, क्वेश्चन आईडी में ले रहा हूं इस बार क्वेश्चन आईडी 12, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका शॉर्टकट भी हमने आपने करा होगा, मैंने बताया था। और वैसे शॉर्टकट की ऐसे क्वेश्चन में जरूरत होती नहीं है, कॉन्सेप्ट से करने पर भी आंसर सही आता है। तो ये बात आप समझिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, इसको लास्ट से रूट से सोल्व करते हुए लेकर आओ, आखिरी रूट पे आ जाओ और फिर हम इसको रूट से बाहर लेकर आएंगे। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन रूट से लाने से पहले अगर मैं ये देख लूं कि 4600 से थोड़ा ज्यादा, जो 540 किसके रूट के आसपास होता है बच्चों, 576 होता है 24 का रूट। तो यानी अगर मैं बेसिकली बात करूं, अगर ये रहा होगा 576 तो ये वैल्यू रही होगी 24, अगर मैं 4600 में 24 जोड़ता हूं तो ये किसका स्क्वायर होता है, 68 का स्क्वायर होता है। तो 68 इसका सही आंसर है, मुझे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के 2 रूट्स को देखते हुए सोल्व कर लेना चाहिए। तो लेकिन अगर आपको सोल्व करना ही है तो आप करके लाइए, देखिए 36 से कितना लिख सकते हो 6, 256 से कितना आ जाएगा 16, 1280 और 16 कितना हो गया 1296 वैल्यू आ गई। अब जो रूट की वैल्यू है बच्चों, आप ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, 4600 में अब मुझे 540 प्लस, अब 1296 किसके रूट के पास है, 1296 अगर हम बात करें तो 3 3 9 3 96 3 और 3 6 6 36, सो यू विल गेट, और ये जैसे ही 36 मिलता है तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 540 और 36 कितना हो गया 576 किसकी वैल्यू आ गई। तो हम इस क्वेश्चन को बिना सोल्व करे भी कर पा रहे थे,
24 की वैल्यू आ गई, 4624 आ गया, तो 68 इसका सही आंसर हो गया। अब अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आईडी 10 हो गया, क्वेश्चन आईडी 12 हो गया। एल्जेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूं। मैंने इस वीडियो में बच्चों आपको मेंस में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व करवाए हैं। क्वेश्चन आईडी 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड की हमें वैल्यू बतानी है। 2, 1, 3/2, 5/3 इसके सही ऑप्शंस में से कोई एक होगा। तो ध्यान से देखिए, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनमें से किसी एक को जीरो मान लीजिए, लेट जेड जीरो। जेड जीरो होने पर जेड जीरो तो बच्चों एक्स बराबर माइनस वाई, तो x की जगह अगर हम माइनस वाई रखते हैं तो माइनस वाई का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर हो गया, ध्यान से देखो 3 और 1 कितना हो गया, 4y2/2y2। मुश्किल है, बहुत आसान सवाल था, कितना आ गया 2। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आईडी 15, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a = 1। हमें बतानी है ए क्यूब प्लस 3/a की वैल्यू। इसके ऑप्शन है 31, 26, 28, 24। अब बात को समझने की कोशिश करना, अगर मेरे पास ये कोई क्वेश्चन दे दे ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a = 1 मुझे दे रखा है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं जो मुझे निकालना है, a से मल्टीप्लाई कर लूं बच्चों, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 3a³ प्लस 9a² = a। मैंने इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि इसमें से मेरे को 3a³ माइनस करना है, मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा भी कर सकता हूं। गुणा से अगर मैं 3 कर लूं तो ये हो जाएगा 3a³ प्लस 3 3 9a² 3 9 27a = 3। अब मैं ये घटा देता हूं जो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो देखते हैं क्या बचा मेरे पास। a की पावर 4 इधर से बचा माइनस का 27 है बराबर a प्लस 3। अब a की पावर 4 27 और 1 माइनस का 28 है बराबर 3। अगर मैं अब इसको a से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलेगा a की पावर 3 -28 = 3/a। तो अब ये जो 3/a है, अगर हम इस 3/a को देखें तो ये वैल्यू बच्चों माइनस की थी मैंने, तो यहाँ माइनस का साइन आना चाहिए था। ये वैल्यू a -3 है, -3 रह जाएगा। अगर हम इस माइनस को इधर लेकर आए तो क्या बना, a³ + 3/a = 28। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने कराए भी थे आपको पहले। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। डी 18 पे x1 x2 x3 = 4, 4 + x1 + x2 + x3। बच्चों ने कहा सर आपने जो क्लास में पढ़ाया उससे अलजेब्रा बिल्कुल अलग आया। बच्चों बिल्कुल अलग नहीं आया, आप उसको देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि वही आया जो हमने आपको बताया था, वही चीजें पूछ रहा है, बस आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि आपने बेसिक्स ढंग से नहीं पढ़ा। बेसिक्स को ढंग से पढ़िए जिससे आप शॉर्टकट अप्लाई कर पाओ। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, ये 3 का प्रोडक्ट 4 का मल्टीपल है, तो अगर मैं कहूँ 4 × 16 = 64, तो यहाँ 4 × 4 = 8, 4 × 12, 12 × 4 = 16, 16 × 64। यानी मेरे को क्या करना चाहिए, x1 x2 x3 सबको कितना पुट कर देना चाहिए इस क्वेश्चन में, 4। अगर सबको बच्चों में 4 पुट कर देता हूं तो देखो ध्यान से, ये आ गया 4 × 4 × 4, 4 × 4 + 4 + 4 + 4, 4 × 16 = 64। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, पुट कर दो इस इक्वेशन में। अगर मैं यहाँ 4 कर दूं, सिमेट्री बन रही है, सिमेट्रिकल क्वेश्चन से मैंने बहुत सारे कराए थे आपको याद होगा। तो ये हो गया 1/6 × 3 कर लो, क्योंकि तीनों संख बराबर है, 1/2 आ गया, 1/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ये बच्चों रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और ये अलजेब्रा की टर्म्स में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, क्वेश्चन आईडी है 17, a + b / c
सिक्स बाय फाइव, दूसरी क्वेश्चन है बी प्लस सी बाय ए नाइन बाय टू, हमें बताना है ए प्लस सी बाय बी। इससे आसान सवाल इस शिफ्ट के अंदर नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ छह और पांच ग्यारह तीनों का सम ग्यारह, नौ और दो ग्यारह तीनों का सम ग्यारह, तो सी कितना मिल जाएगा पांच, ए कितना हो गया दो, पांच और दो सात, क्या बच गया बी, सात और चार ग्यारह, क्या चाहिए मुझे ए प्लस सी बाय बी सात बटे चार, सही ऑप्शन इसका। आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, एलजेब्रा देखो कितना आसान आया है, एलजेब्रा से आसान नहीं आया बच्चों इसमें एडवांस मैथ में कुछ भी, कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, और आपको पूछ रहा है वो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इनमें से किस इक्वेशन के रूट है, किस इक्वेशन का इनमें से अल्फा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब रूट होगा, तो समझना बच्चों अल्फा और बीटा अगर रूट है इस इक्वेशन के तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बच्चों सम ऑफ रूट, ये मार्कर आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, दूसरा मार्कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, हम अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं माइनस बी बाय ए, बी की वैल्यू क्या है जहां माइनस माइनस वन बाय वन, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स पता लग गया बच्चों कितनी वैल्यू मिली एक, इसी से हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा बीटा सी बाय ए, सी की वैल्यू वन बाय वन, अल्फा बीटा भी वन, तो अब मैं क्या करूं, मैं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर देता हूं, अल्फा क्यूब मिल जाएगा बीटा क्यूब मिल जाएगा थ्री अल्फा प्लस बीटा, देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है वन, वन इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री, अल्फा बीटा भी वन, अल्फा प्लस बीटा भी वन, तो सिंपल बात है बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया माइनस दो, क्या मतलब है इसका, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हुए तो उनका सम माइनस दो आना चाहिए, यानी सम ऑफ रूट क्या मिलना चाहिए माइनस दो, किस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स माइनस दो है, सम ऑफ रूट का मतलब वही हो गया अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो इन चार इक्वेशन में माइनस बी बाय ए करने पर माइनस का दो आना चाहिए, पहली इक्वेशन को देखते हैं, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, माइनस बी करने पर माइनस दो बाय ए, कितना मिला माइनस का दो, तो बच्चों सीधी बात कौन सा ऑप्शन आपको मैच करा रहा है ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इससे आसान हो नहीं सकता, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, अभी कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लेकर आऊं आप सबके लिए, मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता बच्चों मेहनत करने से ही मिलेगी, मैंने जितने कोशिश की आज मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की सेशन में, तो मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा के लाया, कुछ एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, जो रह गए हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो सॉल्यूशन आपको पहले चाहिए, तो इसी सेट में मैं कोशिश करूंगा वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आने की, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम मैं संजय खान, मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी मैथ्स बाय संजय खान सर के नाम से, और बने रहिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, कोई भी क्वेश्चन लगता है नहीं हो पा रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं लेकर आऊंगा उसको वीडियो सॉल्यूशन के जरिए आप सबके सामने, जिन्होंने अभी भी कोचिंग करना ज्वाइन नहीं किया है तो वो वापस अभी घर से उठिए जागिए, क्योंकि यही सुनहरा अवसर है बच्चों, नोटिफिकेशन आया हुआ है, ज्वाइन कीजिए और सेलेक्ट होइए, बनिए आप भी इंस्पेक्टर, चलिए धन्यवाद।